रखा गया कि हम लोग अंदर कुछ भी नहीं ले जाते। दौड़ा ट्रॉली बैग के भाग, दारू पिएगी। पहुँच तो हम लोग पहुँच गए हैं पूरी बीच होटल, जा रहे हैं ढूंढने। पीछे मेरे गरीबों की टोली, बीच दिखाता हूँ मैं आपको। किसमें इसमें चले देखने, किसमें होटल है, चलो देखते हैं। क्या हाल है दोस्तों, शुरुआत है डे थर्ड। हम लोग अभी जस्ट पूरी जंक्शन उतरे हैं और मैं इधर से रिटर्निंग का टिकट काट रहा था हावड़ा से बरौनी का, क्योंकि डायरेक्ट पूरी से नहीं है ट्रेन। और गलती से मैं अपना आईडी पासवर्ड भूल गया था IRCTC का, जिस कारण से मेरे पैसे फंस गए हैं। 3,000 रुपये मेरा फंस गया, वो 4 दिन में रिफंड आएगा। बाय बाय टाटा, गुड बाय। फिलहाल तो हम जा रहे हैं होटल लेने के लिए डे थर्ड में। अब आगे की कहानी आपको आगे बताएंगे। मिला नहीं, भटकते भटकते हम लोग मसाला चस्का चाय पी रहे। पूरे कम से कम 35-40 होटल में घूमाए। 35-40 होटल में घूमने के बाद भी हमें रूम नहीं मिला। हर जगह से एक ही बात नहीं है, और जहाँ पे है वहाँ पे रेट 7,000-8,000 से नीचे में कोई रूम ही नहीं है। तो रूम के लिए काफ़ी टेंशन हो रही है। चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते आगे रूम मिलता है। जो होटल है वहाँ पे चेक इन सुबह 9 बजे का है और अभी 7 ही बज रहे हैं, तो 2 घंटे के लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना बीच घूम लिया जाए, उसके बाद जाएंगे। अच्छा, चुटकी फिलहाल तो 1-1.5 घंटे यहीं रुकते हैं। यह दौड़ा ट्रॉली बैग के भाग रही है लेकर के समुंदर में। देखिए 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 देखिए, ओ समुंद्र का उफान। नहा के दहा के उधर से उधर जाएंगे, उसके बाद ये लहर का आवाज सुनो कितना मस्त हो गया। हवा टाइट, हवा टाइट, अकेले को संभाल रहा। गीचे 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 गीचे, चलो लेके चलो चलो लेके चलो आगे चलो। ए बुजी तो हमरा मोबाइल, बुजी मोबाइल दो हमरा। ए मम्मी कॉल करिन दो ना, पहले ट्रॉली लेके वहां तक चलो, पानी है आगे देख के। यही रुको, ओए मेरी भैंस पानी में जा रही है कुछ लिखने के लिए। वाह, ये मेरी भैंस ने लिखा, उंगली खींचा। ठीक से बनाओ, ठीक से बनाओ, ठीक से बनाओ। नहीं भसेगा, इस बार बनाओ, अच्छे से बनाओ। पहुँचे नहीं है क्योंकि होटल में चेक इन का टाइम है 9 बजे और यहाँ का रूल है 9 बजे से पहले आप जा नहीं सकते। और मेरी भैंस देखिए पानी में डुबकी लगा रही है, ये देखिए। गई गई मेरी भैंस पानी में। मुझे भाई पानी से एलर्जी है, मुझे पानी में छुप छुप नहीं करना अभी। और ये समुद्र के थपेड़े हैं जो बंद ही नहीं हो रहे। रुको जरा, सबर करो। और मेरी बेटी देखिए। हेलो दोस्तों, बहुत मुश्किल से लगभग 60-70 होटल खोजने के बाद एक छोटा सा डब्बा जैसा होटल मिला है और इसका पर डे का रेंट 3,000 है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना छोटा है। रूम, एक छोटा सा बेड, एक छोटा सा टीवी और ये है बाथरूम। बस इसका लिया जा रहा है हमसे 3,000 रुपया। और 60-70 होटल ढूंढने के बाद एक होटल मिला है तो कोई खाली ही नहीं था। ये लोग तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, तो हम लोग अब निकलेंगे
जगन्नाथपुरी टेम्पल के लिए, मैं भी ऑलरेडी तैयार हूँ। तो हम लोग अब जगन्नाथपुरी टेम्पल के लिए निकल रहे हैं, तब तक मैं नीचे जाता हूँ, साइन वाइन वगैरह करना है होटल के रजिस्टर पे। ये लोग नीचे आएगी, फिर आगे का आपको व्यू दिखाता हूँ। तो हम लोग फिलहाल इसी होटल में रुके हुए हैं। होटल का नाम है विश्वनाथ टूर एंड ट्रेवल्स, और ये हम लोग का, हम लोगों ने बस भी बुक कर लिया है 500 रुपये पर डे के हिसाब से, 500 रुपये पर आदमी एसी बस का है और 300 रुपया नन एसी का है। तो मैंने नन एसी में बुक किया है क्योंकि नैन्सी को एसी में वोमिटिंग होती है, एसी बस में वोमिटिंग होती है, तो इसलिए मैंने नन एसी बस का ही लिया है। 300 रुपये पर आदमी का अभी बुक कर लिया है, और कल ये लोग मुझे सुबह 6 बजे लेके जाएंगे, जो कि होगा हमारा डे 4। तो फिलहाल हम लोग रेडी है, मैं यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ नैन्सी का। और हमारी धृति खेल क्या हुआ बेटा, चोट लग गया, कल से चोट लग गया। चल चुके हैं टेंपल के लिए, ये रेडी है, ये भी रेडी है, लेकिन बेचारी का जूता भींग गया था तो खाली पैर है। अब मैं इसे ले जाऊंगा चप्पल दिलवाने के लिए, स्लीपर दिलवाऊंगा, हवाई चप्पल पहन के घूमेगी ये पूरा उड़ीसा। जूता भिंगाली सुबह सुबह बीच पे नहाएगी, शकल देखुंतली कान आईना लगा के चले छे, केस झाड़े के छो की कान महीना लटकेने छी। क्या हुआ बेटा, लगा लो, इसको कोई चम्मच लगा दो, इसका चम्मच लगाओ इसको, लो बेटा चम्मच लग गया तुम्हारा, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर 4 धामों में एक धाम है, यानी कि हम लोग एक धाम की यात्रा करने पहुंच रहे हैं। गाड़ियों की काफ़ी भीड़ थी, लंबी लाइन थी, ट्रैफिक जाम था, इसलिए हम लोग को थोड़ी दूर पहले उतार दिया है और यहाँ से हम लोग आगे पैदल जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मंदिर तो काफ़ी दूर से दिख रहा है, लेकिन इधर से जाना है पता नहीं, एक पंडाल लगा हुआ लिखा हुआ था वे टू मंदिर, तो हम लोग उसमें घुस गए हैं। बोल देते बेटा, बैग में मोबाइल है तो, इस बैग में लगेज में मोबाइल है तो, अच्छा इसमें मोबाइल भी डालना पड़ता है, मोबाइल अलग तो जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर पहुंचने के बाद हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते, ना बैग ना मोबाइल ना जूता, तो सब कुछ एक दुकान पे हम लोग को जमा करना पड़ा। ये पीछे आप शॉप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जमा किया, इस पे 100 रुपया हम लोग से चार्ज ले लिया गया। हालांकि आगे पीछे गवर्नमेंट का जो फ्री वाला है वो था, जिस पे मेरी नज़र नहीं पड़ी, वहाँ पे फ्री में लग जाता, लेकिन वहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगती है। और जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर तो लेने गया मोबाइल, तो मैं आपको बाहर से दर्शन करवाता हूँ। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन है इस पर, और ये देखिए लाइन वहाँ से क्रॉस होते हुए आती है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मेन टेम्पल, जो कि आपको अंदर जाइएगा तो इतनी भीड़ है और इतनी धक्कम धुक्की है, इतना भीड़ है, लोग ऐसे आपको धकेलेंगे, एक दूसरे पे चढ़ेंगे जैसे कि आपका वो अब सीना तोड़ दे, पैर तोड़ दे, कोई मतलब नहीं बनता है, बस अंदर जाना है और बाहर आना है। एक चीज़ और जो मुझे मंदिर की ख़राब लगी वो ये लगी कि वहाँ पे अंदर में आप एक तो चढ़ाने के लिए कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, और अगर अंदर से आप लेते हैं तो वहाँ पे प्रसाद का आपको 4-5 हज़ार से नीचे का कोई वैरायटी नहीं मिलेगा, 4-5 हज़ार में आपका प्रसाद स्टार्ट होता है, और उतना ले, और अगर आप कोई माला चढ़ाने की बात करें तो वहाँ के पंडित जी कहते हैं कि 10-20 रुपये में भगवान खुश नहीं होते, भोग चढ़ाओ तभी भगवान खुश होंगे। ये बड़ी अजीब बात है, हालाँकि मंदिर बहुत अच्छा है और आप लोग को आकर देखना चाहिए, काफ़ी खूबसूरत है, ऐसा आर्किटेक्ट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, मैं कभी इससे पहले ऐसे आर्किटेक्ट को नहीं देख पाया था, और मैं ज़्यादा जगह गया भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग अंदर जाएं, भगवान जगन्नाथ को देख के आए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, प्रसाद का रेट अंदर में, प्रसाद नहीं हर एक चीज़ का रेट काफ़ी हाई है। एक छोटी सी जगन्नाथ की मूर्ति हम लोगों ने पूछा तो वहाँ पे बोला गया 1500 रुपये, जो कि मार्केट में आप इजिली 100-150 में ले सकते हैं, तो बाकी आपके ऊपर है।
अब यहाँ से हम लोगों ने मंदिर के दर्शन तो कर लिए, अब हम लोग जाते हैं खाने के लिए क्योंकि काफी भूख लग चुकी है भैया। भूखर बेचारियों को खाने के लिए कुछ मिला नहीं तो सेल्फी से काम चला रही है, इसको चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है ना, आ रहा था। खीरा खाया उसके बाद भी पेट नहीं भरा। इसको देखिए, इसको देखिए, दूसरे के गाड़ी को बाप का गाड़ी समझ ली। निकालो निकालो, इसको निकालो।